जल्दी सरप्राइज दो ना, अब इंतजार नहीं होता। हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। अब तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो ना। क्या करूं मैं, सबको बोलूं या नहीं बोलूं? काम करता हूँ, बोल ही देता हूँ। वैसे भी मैम साहब तो मालिक के सामने है ना, मेरी तो अभी जाने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। बोल ही देता हूँ मैम साहब। हाँ नवीन बोलो। मैंने आपसे कुछ कहना चाहता था। बताओ। कैसे बोलूँ, आप प्लीज, आप गुस्सा मत हो ना। अरे नहीं बोलो, तुम क्या बात है। कैसे सब, मैं ना काफी दिनों से आपको ना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा, और आपसे ना दिल से प्यार करता हूँ। अच्छा सब, मैं आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैं काफी दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रहा था, पर डर लगता था कहीं मालिक को पता ना चल जाए और मुझे मारे ना। मुझे भी तुम्हारे से कुछ जरूरी बात करनी थी। अब इधर आओ, बैठो। पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैम सब, मैं भी डरता था कहीं आपको पता ना चल जाएगा, इसलिए। कोई बात नहीं। अच्छा अब जब पता चल ही गया है तो मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो तुम एक कप चाय लेके आ जाओ, उसके बाद पक्का सरप्राइज। जल्दी आना। नवीन तुम्हें सरप्राइज चाहिए था ना। हाँ मैम साहब, मैम साहब जल्दी सरप्राइज दो ना, अब इंतजार नहीं होता। हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। अब तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो ना। आंखें बंद क्यों? अरे सरप्राइज है ना, ऐसे थोड़ी ना दिया जाएगा। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? ठीक है। नवीन। हाँ जी मैम साहब। अपनी आंखें खोलो। साहब जी आप? हाँ मैं। साहब जी मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। चाय लेके आता हूँ? इतने साल से तू यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ी सी भी वफादारी है तेरे अंदर? मैंने क्या किया साहब? अरे छोटा भाई समझा था तुझे, और तू ये हरकतें कर रहा है। सीमा की देख रेख के लिए रखा था तुझे यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या किया? सब सच पता चल गया मुझे। कैसा सच? बताऊं कैसा? ऐसा है, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं, चुपचाप निकल जा यहां से, चल। एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हो और तुमने उसको क्या सिला दिया ये सब? अरे तुम्हें तो है ना अपनी फैमिली को देखना चाहिए, पर नहीं, तुम अपनी फैमिली ना देख के तुम मुझे देख रहे थे। ठीक ऐसा है, अब यहाँ से निकल जाओ, और दोबारा है ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आइंदा यहाँ पे दिखा ना पुलिस के हवाले सीधा। चल निकल अभी यहाँ से, निकल यहाँ से, अभी निकल। बैठ उससे। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था वो ऐसा नहीं, इतने सालों से यहाँ पे काम कर। अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी हमें क्या पता कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं। हमारे सामने तो वो अच्छा ही था ना। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक करो, मुझे भूख लगी है कुछ खाने। ठीक है।